है और ये इवेंट अच्छा है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हमारी मतलब हमारा सोच था ना। इससे भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी भी अच्छा है कि मतलब फाटा में ये एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हम आ रहे हैं, हम हमारा मतलब अपना कंपटीशन कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो मसले बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फाटा के लिए, इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कोचेस नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। तो अगर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले, हमें बोज एंड एरोज मिले, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग ग्राउंड होने चाहिए फाटा में। फाटा में फीमेल्स के लिए ना ही कोई स्टेडियम है, ना ग्राउंड है, ना फैसिलिटीज़ है, ना इक्विपमेंट्स है। तो फीमेल्स के लिए ग्राउंड्स अलग होने चाहिए, क्योंकि फाटा में मतलब अच्छा होगा अगर ग्राउंड अलग होंगे, तो बहुत सारी फीमेल्स प्लेयर्स आएंगी और उनको फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स देने चाहिए कि वो कर सके, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। जी मैंने पिछली बार भी इसी फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन लिया था मेल के साथ मुकाबला करते हुए, और अभी भी मैं मेल के साथ मुकाबला कर रही हूँ। और पिछली बार ये फिफ्थ आर्चरी चैम्पियन नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में मैंने थर्ड पोजीशन ली थी, और उससे पहले खैबर पीस गेम्स में भी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है।